नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 और 8 और 9 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, संधि। संधि से संबंधित आपके 8 और 9 क्लास के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संधि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना। संधि शब्द का संधि विच्छेद होता है समधनधि। समधनधि से बनता है संधि और इसका अर्थ होता है परस्पर मिलना या मेल। अब यहाँ पर मेल किसका होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण और शब्द में भी अंतर है। जैसे ये या है, ये आ है, ये वर्ण है, और विद्या ये शब्द है, और सिर्फ या है ये वर्ण है, ये आ वर्ण है, ल वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। तो यहाँ पर दो परस्पर वर्ण है, जैसे यहाँ पर ये या और आ, ये दो वर्ण है, इन दो वर्णों का यहाँ पर परस्पर मेल होता है और मेल होने के बाद में विकार उत्पन्न होता है, तो वो विकार उत्पन्न होने से जब नया शब्द बनता है वही संधि कहलाता है। विद्याधन आलय, यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दो के बीच में ही संधि होती है, विकार यही होता है, बाकी पूरे इन दोनों शब्दों के अंदर बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकार उत्पन्न सिर्फ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ही विकार उत्पन्न होता है, संधि इन दो वर्णों की ही होती है। तो यहाँ देखो, विद्या धन आलय, आलय घर को कहते हैं, विद्या का जो घर है वो विद्यालय होता है, तो विद्या धन आलय यहाँ पर है आ और यहाँ पर भी है आ, ये दोनों स्वर हैं और दोनों ही दीर्घ हैं, समान स्वर हैं, दोनों दीर्घ हैं तो दोनों समान स्वर दीर्घ हैं, उसकी जगह एक दीर्घ हो गया आ और बन गया विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय बन गया। अर्थात यहाँ पर जो ये आ है, ये आ इसका लोप हो गया, विकार उत्पन्न हुआ यहाँ। इस प्रकार से दो वर्ण, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र, यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई है, इन दोनों के बीच में ही संधि हुई है। ये आ है, इसमें स्वर क्या है? आ, और इसमें स्वर है ई। ये दोनों परस्पर मिले और इन दोनों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न हुआ और क्या बन गया? ए बन गया। तो ये ए बनते ही महाधन इंद्र का महेंद्र हो गया। ये गुण संधि का उदाहरण है। ये नियम की मतलब आ और ई से ए कैसे बना, ये नियम हमने वो जब स्वर संधि पढ़ेंगे उस समय आपको इस नियमों के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब है संधि के भेद कि संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि है वो किसे कहते हैं? स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर नाम इसका स्वर संधि है, अर्थात दो स्वरों का मेल। स्वर संधि में दो स्वरों का
परस्पर मेल, और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, अर्थात स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं है अयाद संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार है। सर्वप्रथम हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि की परिभाषा है, 2 समान स्वरों के परस्पर मेल को, 2 समान स्वरों के परस्पर मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। 2 समान स्वरों के परस्पर मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। तो समान स्वरों का जब परस्पर मेल होता है और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ संधि कहलाती है। संस्कृत में अक्षवर्ण दीर्घ ये सूत्र है, उस सूत्र के मतलब से होती है। तो देखो यहां पर समान स्वर ये अ धन अ ये दोनों समान है। समान स्वर के अंदर अकारांत, इकारांत और उकारांत। अकारांत में अ धन अ दोनों ही ह्रस्व स्वर है, अ धन आ भी हो सकता है क्योंकि ये भी दोनों ही समान स्वर है। यहाँ पर दोनों ही ह्रस्व है, यहाँ एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। ह्रस्व का मतलब होता है लघु छोटा। तो यहाँ पर दोनों ह्रस्व है, यहाँ एक ह्रस्व और एक दीर्घ है। यहाँ पर दोनों ही दीर्घ है, यहाँ आ है और यहाँ भी आ है। तो ये समान स्वर है, इसमें एक ह्रस्व एक दीर्घ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान स्वर होने चाहिए। यहाँ पर देखो एक या ये और ये बड़ी ई है, एक ह्रस्व है एक दीर्घ है। अगर यहाँ पर दोनों ही छोटी ई होती या दोनों ही बड़ी ई होती तो भी उसके स्थान पर एक बड़ी ई होती है। फिर है ये बड़ा ऊ और ये भी बड़ा ऊ, दोनों ही ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। अगर यहाँ मैं लिख दूँ एक ह्रस्व ऊ और एक दीर्घ ऊ या दोनों ही ह्रस्व उ तो भी उसके स्थान पर एक दीर्घ उ होता है। ये है समान स्वरों का मेल। आप समझ रहे होंगे कि जब 2 समान स्वर, यहाँ पे मैंने आपको समझाया, देखो 2 समान स्वर चाहे एक ह्रस्व और एक दीर्घ हो, ये एक ह्रस्व और एक दीर्घ, या दोनों ही ह्रस्व हो, ये दोनों ही ह्रस्व, देखो ये अ और ये अ दोनों ही ह्रस्व, या दोनों ही दीर्घ हो, या दोनों ही दीर्घ, देखो आ और आ दोनों ही दीर्घ, तो उसका एक दीर्घ हो जाता है, ये एक दीर्घ हो गया। समझ आ रहा है? ये सिर्फ अ और नहीं, ई में भी ऐसे ही होता है कि दोनों ही छोटी ई हो या एक छोटी और एक बड़ी ई हो या दोनों ही बड़ी ई हो तो भी उसके स्थान पर एक बड़ी ई होती है। उ में भी इसी प्रकार से, चाहे दोनों ही छोटे उ हो या एक छोटा और एक बड़ा उ हो या दोनों ही बड़े उ हो तो भी उसके स्थान पर एक दीर्घ होता है। ये है समान स्वरों का मेल, ये है दीर्घ संधि का नियम, दीर्घ संधि है वो किसे कहते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ उदाहरण दिख रहा हूँ, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी ये जो शब्द है इसमें यहां पर आ है या अ है, यह स्वर क्या है आ और यह स्वर क्या है अ, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेल इन दोनों
दोनों वर्णों के बीच में होता है, इन दो वर्णों का मेल होता है, तो यहाँ स्वर अ है, यहाँ स्वर अ है, एक दीर्घ है, एक ह्रस्व है, तो एक दीर्घ और एक ह्रस्व होते हुए भी क्या बनेगा, एक दीर्घ बनेगा, तो यहाँ होगा अ बनेगा, एक दीर्घ हो जाएगा दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है अ, तो इसका क्या बन जाएगा, विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, अर्थात विद्या को जो प्राप्त करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, वो विद्यार्थी कहलाता है। उसी प्रकार से अभय धन अरण्य, अभय धन अरण्य, यहां पर अ है और यहां पर भी अ है, दोनों ही समान स्वर है, या ये है इसमें अ स्वर है और ये अ, अर्थात दोनों ही अश्व है, दोनों ही समान स्वर है, ये भी अ है, ये भी अ है, दोनों समान स्वर है और दोनों ही अश्व, अब दीर्घ क्षति की पहचान क्या है, कि दोनों तरफ वो स्वर समान होने चाहिए, दीर्घ क्षति की पहचान है कि समान स्वरों का मेल होता है, अर्थात समान स्वर होने चाहिए, तो यहाँ पर समान स्वर है, ये अ है, ये भी अ है, दोनों ही अश्व है, और नियम क्या कहता है कि जब दोनों ही अश्व हो तो उसके स्थान पर एक दीर्घ होता है, तो यहाँ इसका आ बनेगा, अर्थात दीर्घ क्या होगा आ, तो अभय धन करणीय, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, अभ्यारण्य, क्या बन जाएंगे, अभ्यारण्य। अब इसका अर्थ क्या होता है, अभय धन अरण्य, ऐसा जंगल, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, ऐसा जंगल जहां कोई भय न हो, भय से रहित हो, उसको कहते हैं अभ्यारण्य। कई कई बच्चे लोग कभी इस भय को आधा लिखते हैं, जो है वो अशुद्ध होता है, ये भय आधा नहीं होता है। तो दीर्घ शब्द के अगला उदाहरण आते हैं, यहाँ पर यह दिया हुआ है कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र है, तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो अश्व ई है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये भी अश्व ई है, अब यहाँ पर है वो इन दोनों के बीच में है वो संधि होती है, तो ये अश्व ई है और ये भी अश्व ई है, दोनों समान स्वर हैं और ये दोनों समान स्वर मिलकर के एक दीर्घ होता है, अर्थात ये बड़ी ई बन जाता है, तो यहाँ पर ये ई इस ई के अंदर मिल जाएगा और दोनों मिलकर के एक दीर्घ बन जाएगा, तो कवि धन इंद्र का ये कविंद्र हो गया। क्यों होता है, क्योंकि दो समान स्वर जब मिलते हैं उसके स्थान पर एक दीर्घ समान स्वर हो जाता है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, यहां पर है वो संधि है वो इन दोनों के बीच में हो रही है, ये छोटा ई है, ये भी छोटा ई है, दोनों ही अश्व है, इन दोनों और दोनों ही समान स्वर है, इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाएगा ई, तो ये बन जाएगा रविंद्र, क्या बन गया, रविंद्र बन गया, ये छोटी मात्रा है लेकिन यहाँ पर ये दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि जब दो समान स्वर दोनों ही चाहे ह्रस्व हो या दोनों ही दीर्घ हो तो उसके स्थान पर एक लिंग होता है। तो ये तो इकारांत की बात हुई, सबसे पहले हमने जो उदाहरण पढ़े वो अकारांत के पढ़े, ये इकारांत है, अब है उकारांत, जब उनकी मात्रा होती है तो संस्कृत में वो उकारांत लगाते हैं, अब जब देखो भानु धन उदय, भानु सूर्य को कहते हैं, सूर्य का उगना भानु देव कहलाता है, तो यहाँ पर है भानु धन उदय, ये ऊ है और ये भी ऊ है, दोनों ही समान स्वर है और दोनों ही कैसे हैं, अश्व है, इन दोनों का जब संधि होगी तो दीर्घ हो जाएगा,
दोनों के स्थान पर एक लिंग होगा तो भानु धन उदय का हो जाएगा भानु उदय, ये मात्रा है वो वही हो जाएगी क्योंकि दोनों मिलने पर एक दीर्घ होता है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है वधु धन उत्सव। अब यहाँ से देखिए होगी पतन शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दो के बीच में ही संधि होती है, विकार यही होता है, यहाँ विकार नहीं होगा। विकार किसके बीच में होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि होकर के इन दोनों का विकार होता है। अब यहाँ पर अष्टकु है और यहाँ पर भी अष्टकु है, दोनों ही समान है, दोनों ही समान स्वर है और दोनों ही अष्ट है। जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा, वधु उत्सव हो जाएगा। क्या बन जाएगा? वधु उत्सव। तो ये समान स्वर है। तो इस प्रकार से हमने वो दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़े हैं। दीर्घ संधि को पढ़ा है कि भाई दीर्घ संधि किसे कहते हैं कि दो समान स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ संधि कहलाती है। वो दो समान स्वर सकारांत में अ या अ, अ या आ, आ या आ, इकारांत में दोनों ही अक्षर चाहे दोनों ही छोटी की हो या एक छोटी बड़ी की या दोनों ही बड़ी की हो तो उनके स्थान पर एक बड़ी ही हो जाएगी। उसी प्रकार से उकारांत में भी चाहे एक हस्व हो या एक दिन या दोनों ही दिन या दोनों ही हस्व हो तो उनके स्थान पर एक दिन होता है। ये हो गए दीर्घ संधि। अब हम बात करते हैं गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? तो गुण संधि की परिभाषा है कि जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ये धन है, इससे इधर क्या होना चाहिए? अ या आ, यहां तो अ हो या आ हो, इससे इधर अ या आ होना चाहिए। उसके बाद अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा। इस अ या आ के बाद में अगर ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाता है? उसका ए हो जाता है। अ या आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। और अगर अ या आ के बाद यहां री आए, ये री आए तो इसका अर हो जाता है। ये है गुण संधि का नियम। कैसे होता है? उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे यह है गण धन ईस, गण धन ईस, ईस का मतलब स्वामी होता है। तो यहां पर अ गण या अ और ये ई है। मैंने बताया कि इस धन से पहले अ या आ होना चाहिए तो अ तो आ गया और उसके बाद में ई या बड़ी ई आई तो ये बड़ी ई आ गई तो उसके स्थान पर क्या होता है? ए होता है। कैसे होता है? गण धन ई। अब यहाँ अ और ये ई है, हमें इन दोनों के विकार से ए बनाना है तो ये हो जाएगा गणेश। क्या बन जाएगा? गणेश, मतलब अ और ई मिल करके ए बनेगा। ये गुण संधि का नियम है। फिर अगला है रमा धन ईस। इस धन से पहले आ आया है, रम आ, इसमें आ स्वर है तो ये आ गया। आ के बाद में ईस, ये बड़ी ई आई है तो अ या आ के बाद में जब ई आती है तो क्या बन जाता है? ए होता है। तो रमा धन ईस का यहाँ हमें आ और ई से क्या बनाना है? ए बनाना है तो ये बन जाएगा रमेश। क्या बन गया? रमेश बन गया। उसी प्रकार से या पर धन उपकार, पर धन उपकार, यहाँ पर पर ये स्वर है और स्वर के बाद में क्या आ गया है? उ आ गया है। तो नियम कह रहा है कि अ या आ के बाद जब बड़ा ऊ आए तो इसके स्थान पर ओ होता है। क्या होता है? ओ। तो
अब अ के बाद में उ आया तो हमें ओ बनाना होगा क्योंकि ये गुण संधि का नियम है। तो पर धन उपकार से क्या बन जाएगा? परोपकार, क्योंकि ये अ और उ मिलकर के क्या बन गया? ओ बन गया। अ और उ मिलकर के क्या बन गया? ओ बन गया, क्योंकि अ या आपके बाद में उ या बड़ा उ आता है तो उसका ओ होता है, उसी नियम से ये परोपकार बना है। फिर अगला है हित धन उपदेश। तो यहां पर है वो हित तो अ स्वर है और अ के बाद में क्या आ गया है? उ आया है। तो अ या आपके बाद में उ आने पर क्या बनता है? ओ बनता है। तो ये अ और ये उ ये दोनों मिलकर के और एक हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ, क्योंकि ये उ इस त में मिल जाएगा और ये स्वर है तो ये ओ हो जाएगा, ये बन गया हितोपदेश। फिर है अगला उदाहरण देखिए सप्त धन ऋषि। ये है सप्त धन ऋषि, ये सप्त अस्वर है, अस्वर के बाद में आ गया री। तो यहां देखो अ या आपके बाद में अगर री आए तो क्या बनता है? अर बनता है, अर हो जाता है। तो यहां पर सप्त धन ऋषि अ के बाद में री आया है, उसका क्या होगा? अर होगा। तो ये सप्तर्षि, इसको हम उच्चारण करेंगे तो होगा सप्तर्षि, तो इसमें अर आता है। री का क्या बन गया? इस री का अर बन गया, सप्तर्षि महर्षि। इस प्रकार से ये उच्चारण होते हैं। जैसे महाधन ऋषि, ये आ के बाद में री आया है, आ के बाद में री आने पर क्या बनेगा? अर बनेगा। तो ये इस री के स्थान पर या महर्षि अर का उच्चारण अर का होता है, उच्चारण किसका होता है? अर का उच्चारण होता है। तो ये बन गया महर्षि। इस प्रकार से ये गुण संधि के उदाहरण है। आज हमने दीर्घ संधि और गुण संधि ये दो संधियां पढ़ी है उदाहरण के द्वारा। आप इनको अच्छी तरीके से वीडियो को दो बार देखेंगे और सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने दो संधि पढ़ी है, दो ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम स्वर संधि का तीसरा भाग पढ़ेंगे। थैंक्स।